इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक से राजस्थान के लिए 2400 लोग रवाना हो चुके हैं। कर्नाटक से 2400 राजस्थानी प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक सरकार ने यात्रा का इंतजाम किया है। राजस्थान कैडर के आईजी राघवेंद्र सुहासा की पहल पर रवानगी हुई है। पाली जालोर जिले के सभी प्रवासी राजस्थानियों को रवाना किया गया है। कर्नाटक से 2400 राजस्थानी राजस्थान के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक सरकार ने यात्रा का इंतजाम किया है। राजस्थान कैडर के आईजी राघवेंद्र सुहासा की पहल पर रवानगी हुई है। पाली जालोर जिले के सभी प्रवासी राजस्थानी जो कर्नाटक में थे उनको रवाना किया गया है। कर्नाटक सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आईजी राघवेंद्र सुहासा। जी सर, प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के लिए रवाना किया गया है, बड़ी संख्या में ये लोग हैं, 2400 के करीब इन लोगों को प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। जी, ये लोग कंटेनर से जाते हुए महाराष्ट्र बॉर्डर में फंस गए थे। जी, 4-5 दिन इनको अपना हॉस्टल्स में रखा गया था। जी, इनमें कुछ लोग पैदल जाना शुरू कर दिया था, सब देख रहे, उनको बसेस का इंतजाम किया गया है सरकार की तरफ से। जी, और इनको मेडिकल टीम्स के साथ उनको अपना जगह के लिए भेजा गया है। जी, इतनी बड़ी संख्या में ये लोग रवाना हुए हैं और इनकी किस प्रकार की जांच वहां से की गई है ताकि प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव नहीं पहुंच सके, इसके लिए कुछ व्यवस्था करके वहां से रवाना किया गया इनको? जी, स्क्रीनिंग हुआ है 62 बसों से, साथ में डॉक्टर से जी और एस्कॉर्ट के साथ जा रहे हैं, तो सही सलामत है। जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, इन लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं, अलग अलग गांवों में ये लोग जाएंगे, क्या इनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई है, इस बात का संदेश इनको दिया गया है कि गांव जाने के बाद इनको अकेले 14 दिन तक रहना है, इस बात का निर्देश क्या सर उधर से दिया गया है? आप उनसे वही पूछ लेना वहां जब पहुंचते हैं। जी, डिटेल्स उनसे पता लग जाएगा। नमस्कार जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आईजी राघवेंद्र सुहासा, जिन्होंने जानकारी दी, करीब 2400 लोगों को प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। कर्नाटक सरकार ने व्यवस्था की है, इनके लिए बसों की व्यवस्था की है, प्रदेश वापसी हो रही है करीब 2400 लोगों की।